सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एपिड्रॉप्स डीएम आई ड्रॉप्स के बारे में। एपिड्रॉप्स डीएम आई ड्रॉप्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन किसके जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट्स हम बड़े कुछ कंपोजिशन लगे और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज डोजेंस कितना होना चाहिए, उसको कितने दिनों तक यूज़ किया जाता है और इसके अल्टरनेटिव ब्रांड मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल है और ऑप्थाल्मिक डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं, तो एपिड्रॉप्स डीएम आई ड्रॉप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं एपिड्रॉप्स डीएम आई ड्रॉप्स, जो कि हमारे पास 5 ml का बोतल है जिसकी एमआरपी की बात करते हैं, इसकी एमआरपी 154 यानी कि 154 रुपये के करीब इसकी एमआरपी है। एपिड्रॉप्स डीएम आई ड्रॉप्स को अजंता फार्मा कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक डामसेंस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक्स और ऑप्थल्मिक प्रोडक्ट भी बनाती है। एपिड्रॉप्स डीएम आई ड्रॉप्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से मॉक्सीफ्लोक्सासिन 0.5% वेट बाय वॉल्यूम्स प्लस डेक्सामेथासोन 0.1% वेट बाय वॉल्यूम्स, यानी कि इसके अंदर मॉक्सीफ्लोक्सासिन विथ डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप्स इसके अंदर डाले गए हैं। एपिड्रॉप्स डीएम आई ड्रॉप्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल आँखों में बैक्टीरिया इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है, यानी कि सरल भाषा में बताए तो आँखों में बैक्टीरिया इन्फेक्शन यानी कि जैसे कि कंजंक्टिवाइटिस या गुलाबी आँख के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल करना किया जाता है, यानी कि ये इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। जैसे कि आपके आपको यानी कि सरल भाषा में बताए तो अगर आपकी आँखों में दर्द, सूजन या लालपन या खुजली या जलन हो रही है तो उसको राहत देने के लिए एपिड्रॉप्स डीएम आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। एपिड्रॉप्स डीएम आई ड्रॉप्स को यूज़ करने से बेनिफिट होगा कि अगर आपको आपकी आँखों में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है या आँखों में कुछ सूजन यानी स्वेलिंग वगैरह हुई है तो उसके इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एपिड्रॉप्स डीएम आई ड्रॉप्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि एपिड्रॉप्स डीएम आई ड्रॉप्स हाउ टू वर्क्स। एपिड्रॉप्स डीएम आई ड्रॉप्स के अंदर दो दवाई रहती है, यानी कि मॉक्सीफ्लोक्सासिन और डेक्सामेथासोन। मॉक्सीफ्लोक्सासिन एक एंटीबायोटिक्स दवाई है जो बैक्टीरिया की कोशिका को विभाजित होने और मरम्मत करने से रोककर उन्हें खत्म करता है या आपकी आँखों के इन्फेक्शन का इलाज करता है। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड दवाई है जो कुछ केमिकल मैसेंजर जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिंस जो आँखों को लाल और आँखों में सूजन और खुजली करते हैं। एपिड्रॉप्स डीएम आई ड्रॉप्स आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको यह न मिले तो इसके अल्टरनेटिव ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि मॉक्सीब्लू डी आई ड्रॉप्स या फिर ओनोमॉक्स डीएम आई ड्रॉप्स या फिर सेंटाफ्लॉक्स डीएम आई ड्रॉप्स या फिर ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स या फिर मॉक्सीफिट डी आई ड्रॉप्स या फिर मोबलरन डी आई ड्रॉप्स या फिर मॉक्सीशिप्स डी आई ड्रॉप्स, तो ये स्केलेटरी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको ये न मिले तो इसका मॉलिक्यूल होता है मॉक्सीफ्लोक्सासिन विद डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप्स, तो वो ले सकते हैं जो कि आपको कोई भी मेडिकल फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा और इजली कहीं पर भी अवेलेबल रहता है। एपिड्रॉप्स डीएम आई ड्रॉप्स के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक रहता है, क्योंकि एक शेड्यूल H1 ड्रग है और शेड्यूल H1 ड्रग्स के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक रहता है। एपिड्रॉप्स डीएम आई ड्रॉप्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर या फिर अपने ऑप्थाल्मिक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से एपिड्रॉप्स डीएम आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। एपिड्रॉप्स डीएम आई ड्रॉप्स के बारे में कुछ भी डाउट हो रही कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आई डी है वहाँ पर बताएं। एपिड्रॉप्स डीएम आई ड्रॉप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, कोई भी आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने ऑप्थाल्मिक डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।